हम आजाद बेंचेस पर बैठे हुए हैं। जहाँ तक हक की बात होगी, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो, हमने हमेशा हक का आलम बुलंद रखा हुआ है। कहने को तो हम एक जमहूरी मुल्क हैं, उसके कुछ असूल होते हैं, उस जमहूरियत को चलाने के लिए उसके कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्रेस। देखने में ये आ रहा है कि इन तमाम इदारों को पाबंद सलासल किया जा रहा है। कहने को तो ये जमहूरियत है, लेकिन अमलन जो है हमें इसमें जमहूरियत की अभी तक वो खुशबू आ ही नहीं रही। इसमें हमें फिर वो डिक्टेटरों की जो है बू सी नजर आ रही है। और वाकया हुआ था मीरान शाह में, पार्लियामेंट में एक कमीशन बनाया जाए। आज भी जो कुछ असेंबली में हुआ, हम समझते हैं ये ना होना चाहिए। आज पार्लियामेंट में हुआ तो जमहूरियत नहीं था, ये आमिराना तरीका था। हुकूमत ने किसी ऑपोजिशन मेंबर को बोलने नहीं दिया। अली वजीर साहब एमएनए साथ वजीरिस्तान एंड मोहसिन दावर साहब एमएनए वजीरिस्तान से हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर्स दे। ये सिलेक्टेड ऑपोजिशन चाहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की जड़ें काटेंगे उनकी जड़ें काट के रख देंगे। जो पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के झंडे की तोहीन करते हैं, जिनके जलसे में पाकिस्तान के झंडे को आने तक नहीं दिया जाता, उनसे ये सवाल तो करें, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ बात क्यों की जाती है? इस पे सियासत करेंगे या पाकिस्तान को बचाएंगे? तुम्हारी एक हरकत की वजह से बेगुनाह लाशें गिरी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फसाद बिलहस फैले, उसको इस एहरान में बैठने का कोई हक हासिल नहीं, उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जाए। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव इन नादिर मिर्ज़ा। नाज़रीन, हालात ये हैं कि जब हम ये सोच रहे होते हैं कि आज हमने किस टॉपिक पे बात करना है, तो हमने ये हमारे पास लिस्ट आ जाती है कि हमने किस किस टॉपिक पे बात नहीं करना है। कल जिस तरह से मैंने एक सोशल मीडिया पे ट्विटर पे ट्वीट भी की थी कि इस वक्त जो हुकूमत को जिन बहरानों का सामना है, जो चैलेंजेस उस पर उसके सामने हैं, जिनसे अभी उसको निमटना बाकी है, उसके बावजूद वो मजीद आ बैल मुझे मार के जो मिसाल है वो उनके ऊपर सादिक आती है। कौन सा महाज है जो वो अपने खिलाफ नहीं खोल रहे, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ वो अपने सींग नहीं फंसा रहे? मैं आज सरदार अख्तर मैंगल साहब को सुन रही थी, जो कि वैसे तो आजाद बेंचेस पर बैठते हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं। हुकूमत की जो पार्लियामेंट में अपोजिशन है, वो तो तमाम चीज़ों में खुलकर अपोजिशन कर ही रही है, खिलाफ राय भी कर रही है, तनकीद भी कर रही है, लेकिन अब तो बात यहाँ तक है कि हुकूमत की जो इत्तेहादी हैं वो भी हुकूमत से खुश नजर नहीं आते। हाल ही में जब इमरान खान कराची गए, उस वक्त एमक्यूएम एकात इशूज थे, जिसपे एमक्यूएम सूबे की बात करती थी कि जी वहाँ पे, तो वो एक बयान देकर आ गए कि जी अगर बल्दियाती निज़ाम ऐसा हो तो फिर जरूरत नहीं है, तो उस पर भी बात हुई कि फिर तो पंजाब में भी जरूरत नहीं। लेकिन सरदार अख्तर मैंगल साहब जो कि बीएनपी पार्टी के सरबरा है, उनके अपने जो कुछ नुकात थे उस पर भी बात नहीं हुई। सरदार अख्तर मैंगल साहब भी आज कर रहे थे कि तमाम वो चीजें, एक तरफ आपको इकोनॉमी के जो मसाइल हैं उनका आपको सामना है, वो एक क्राइसिस आपके सामने है, आपने जुडिशरी का भी हवाले से आपने अपने आप को ओपन किया, प्लस ये कि आप जो महंगाई है वो आपके सामने, ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो संभलते नहीं संभल रही। लेकिन उसके साथ साथ पीटीएम वाला इशू जो कि वजीरिस्तान में सूरत हाल है, उस पर गवर्नमेंट की पोजीशन सामने वाजे नहीं हो रही थी। आज अली मोहम्मद साहब ने कुछ तकरीर की है और उन्होंने एक दफा कायद कह दिया, अपोजिशन कहती है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे, वो कहते हैं उनको हक ही नहीं है ऐवान में आने का। तो ये हुकूमत क्या सोच के बैठी है और आगे ये मामला इस तरह से किस तरह चलेंगे? अख्तर मैंगल साहब की गुफ्तगू भी सुन रही थी, जिसमें वो वाजे तौर पर कह रहे थे कि ये कहने को तो जमहूरियत है, लेकिन हमें इसमें डिक्टेटरशिप की बू आ रही है। इसी हवाले से प्रोग्राम करेंगे और आज के जो पैनलिस्ट हैं सीनियर, उनसे आपका तारुफ करा दूं। रुबीना खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कि जो कि सेक्रेटरी ह्यूमन राइट एंड सिविल सोसाइटी पीएमएलएन की एमएनए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी रुबीना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सेनेटर डॉक्टर जहाजेब जवाल दीनी हमारे साथ हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। सरदार अख्तर मैंगल साहब, जिनकी अभी मैं बात भी करी थी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। शौकत बसरा साहब पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। मेरी रिवायत है कि मैं अपोजिशन से शुरू करती हूँ, तो आपकी अगर इजाजत हो, और सैनेटर साहब तो पहली दफा मेरे प्रोग्राम में आए हैं, आज अख्तर मैंगल साहब ने बड़ी जमी हुई है और बड़ी बुटबारी के साथ गुफ्तगू भी की है। सर, ये जो आप, ये जो सरदार अख्तर मैंगल साहब फरमा रहे थे कि बजाय तो ये जमहूरियत है, लेकिन इसमें से डिक्टेटरशिप की बू आ रही है, वो बू आपको तर्ज हुक्मरानी में आ रही है या उन फैसलों में से आ रही है या उन इकदाम में से आ रही है, और फिर इसका मतलब क्या है, किस तरह से आपका मतलब है ये सब कुछ और हो रहा है, कहीं और हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया।
पहली बात तो ये मतलब फासले कैसे आप तय करते हैं, कैसे देखते हैं आप, किस अंदाज से देखते हैं, कौन से एंगल से आप देखते हैं कि किसी हुकूमत उसकी कारकर्दगी, उसके तरीकेकार, उसके अहमाल। बेसिकली जो है ना जमहूरियत जैसे कहते हैं, जमहूरियत में ये होता है कि कोशिश की जाती है कि जो रूलिंग पार्टी होते हैं उसकी बर्दाश्त ज़्यादा होती है और अपोजिशन का काम ही त्रास और उनकी जो है ना खराबियाँ कमजोरियाँ जो भी ज़ोफ हो पार्ट उसके प्रोग्राम में या उसके जो है ना इकदाम में वो उसे जो है ना करेक्ट करने की खातिर उन पर बोझ डालते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि खसूसन जो है ना नेशनल असम्बली और सैनेट में और दीगर जो है ना हमारे प्रोविंशल असम्बलीज में कुछ ज़्यादा मतलब आप ये समझिए कि अपनी अपना फिक्र प्रोग्राम अपने ख्यालात तोंपने की कोशिश की जाती है, पहली तो बात ये होती है। और दूसरी बात ये ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से दोनों जानिब नहीं नहीं मतलब कोशिश ये तो देखे ना ट्रेजरी बेंचेस की उनको तो बर्दाश्त करना होगा, जवाब देना होगा, बेसिकली उनको जवाब दे देना चाहिए नहायती ऐसा तरीके से बर्दाश्त के बाद, इसलिए कि अपोजिशन का काम जो है एतराज करना, कमजोरियां जो है ना उजागर करना, ये तो होती है तमाम चीजें। एक तो इसमें जो है ना उनके पास जब दलाइल नहीं होती तो आपने देखा होगा कि गालम गलोच नाराजगियां या पॉम्पलेट पोस्टर वगैरह पे उतर आते हैं। जमहूरी तरीके में जमहूरी जो है ना मालिक में खासकर जमहूरी प्रैक्टिसेस में ये चीजें जो है ना पेश नहीं की जाती, ये दिखाते नहीं है, इस पे अमल दरामद नहीं किया जाता, बल्कि नियायती ऐसा तरीके से अपने सवाल का जवाब देते। आज आपने देखा होगा कि जवाबात सवालों के जवाबात क्वेश्चन आवर्स में भी मेरे ख्याल में आधे आधे घंटे तकरीरें हुई और तकरीरों में उन्होंने दीगर को जो ना खराब का बुरा भला का उन्हें जो है ना उनकी जो है ना कारकर्दगी को नियायती मैं आप तो ये तो ये आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत का जो रवैया है एक तो रवैये की बात से भू आपको रवैये एक तो रवैये की हुकूमती रवैया और दूसरी बात मैं बताऊँ एक तो रवैये की बात है, दूसरी बात देखिए ना हुकूमत का काम क्या है। आपके जो FIA नैब का काम फकत ये है कि वो इन्वेस्टिगेट हर उस बंदे को कर सकते हैं जिसमें उसे शक हो, जिसके जिसके खिलाफ सबूत मौजूद हो। इसमें प्राइम मिनिस्टर या दीगर मिनिस्टर का ये काम है नहीं कि वो कहें कि मैं आपको सबक सिखाऊंगा, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, मैं INRO नहीं दूंगा, मैं ये नहीं दूंगा, ये चीज़ें जेब नहीं देती किसी जो है ना प्राइम मिनिस्टर को। इससे भी जो है ना बाद अवकात ये महसूस होता है कि कहीं डिक्टेशन के जो है ना आसार तो नहीं, इस तरह की जो है ना ख्वाहिशात तो नहीं, ऊपर से कुछ डिक्टेशन मिल रही हो। और तीसरी बात जो है ना बाज़ मुख्तलिफ आपके अदारे होते हैं ट्राइकाटोमी ऑफ पावर में, अरे को अपने डोमेन में काम कर लेना चाहिए और ये इजाजत हो से कि आप जो है ना अपने अंदाज में जुडिशरी काम करें, ठीक है, इंतजामिया काम करें और साथ ही जो है ना मुकन्नना काम करें। रुबीना साहिबा, पहले ये इजलास होते थे उसमें आप लोग कहते थे अगर शबाशी साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी हुए ये इजलास नहीं चलने देंगे, फिर वो जारी हो गए, फिर आपने कहा कि साहब जो आपके ख्वाजा सादर फिर साहब है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए तो ये इजलास नहीं चलने देंगे, चले जी उनके भी जारी हो गए। अब फिर आगे बात आई तो अब मोहसिन दावड़ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होंगे तो भी इजलास नहीं चलेगा और वजीर अली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होंगे तो भी इजलास नहीं चलेगा, तो फिर तो इजलास चलेगा ही नहीं चलेगा अली वजीर के मामले में। मैं यहाँ पे आपकी करेक्शन थोड़ी सी जरूर करना चाहूंगी कि ऐसा कतन नहीं है कि हमने ये कह दिया है कि इजलास नहीं चलेगा। सबसे पहली बात तो आज जो देखने में आई थी वही था कि क्वेश्चन आवर्स चल रहा था, क्वेश्चन आवर चल रहा था, उसके अंदर सवालात हो रहे थे, उसमें बात हो रही थी और उस दौरान पे अली मोहम्मद साहब जो है उन्होंने खड़े होकर बात जो की। और दूसरी बात ये देखिए वो अवाम की नुमाइंदगी के साथ आए हैं, अवाम ने उनको वोट दिया हुआ है और वो लोग आए हैं, और अगर एक पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में बात नहीं करेगा तो मुझे बताएं वो कहाँ बात करेगा। और मैं और आप ये कौन लोग हैं हम कि हम ये दावा रखते हैं कि हम ज्यादा बता सकते हैं कि कौन पाकिस्तानी और कौन पाकिस्तानी नहीं है, कि मैं ज्यादा पेट्रियाटिक हूँ या आप पेट्रियाटिक नहीं है, और ये हक नहीं है किसी को कि वो पार्लियामान के अंदर आ सके क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं। तो मेरे ख्याल में ये हक जो है ये तो बड़ी ज्यादती भी। और दूसरी बात ये कि अभी जो है उनका अगर केस, मुझे हैरत है शायद उनका केस सबजुडिस नहीं है, लेकिन वो अगर वहां पर उनको अदालत ने पकड़ा है या पुलिस ने पकड़ा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्या उस शख्स को हक नहीं है कि वो अपनी बात भी करे? और पार्लियामेंट को क्लियर होना चाहिए कि क्या बात है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह एक रिवायत रही है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें प्रोडक्शन ऑर्डर्स की अभी तो डिमांड की बात हुई है लेकिन उसके ऊपर जो हुकूमती बेंचेस का तरीकाकार था वो आपने देखा। और आज मेरे ख्याल में तारीख में पहली दफा हुकूमत जो सी है वो प्रोटेस्ट कर रही थी,
हुकूमत जो थी उसने इजलास नहीं चलने दिया। मैं आपको एक बताती चलूं कि उन्होंने देखें, अगर आप इतने सच्चे हैं, अगर आप इतने सही हैं, तो आप बात क्यों नहीं करते पार्लियामेंट में? आप बात क्यों नहीं करने देते दूसरों को? आप क्यों ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि पार्लियामेंट में कोई बात ही ना कर सके? और हमने देखा कि अपोजिशन की तरफ से सब लोग खड़े हो रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं आपसे बोलने के लिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इजलास को गैर मुइना मुद्दत के लिए खत्म कर दिया। सो इट मींस कि ये रवैये जो उनसे आमराना है वो इनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं जो नजर आ रही हैं। और ये हमेशा ऐसे होता है नागे के इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बिजनेस जो है वो पार्लियामेंट का रह जाता है, ठीक है, और वो नहीं चलता। ठीक है शौकत बसर साहब, मैं आपको बीच में इंटरप्ट ना करूं, उसके पहले ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी तो आपसे दोनों जिसके जो सवाल उठाए उनके जवाब लूंगी, और जो थोड़ा बहुत सवाल मैंने भी करने की कोशिश की उस पर भी शौकत बसर साहब से जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। जी नजर प्रोग्राम एक दफा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। शौकत बसरा साहब, क्या करेंगे पीटीआई अकेली चारों तरफ, वो रजिया गुंडों में वाला मामला कुछ हो गया है पीटीआई के साथ, करने क्या जा रहे हैं? या आप लोगों को कोई मशवरे गलत दे रहा है या अपनी सोच ही ऐसी है? कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे। हम समझते हैं कि ये जरा संभाल लीजिएगा, कुछ गलत नहीं, पहले भी हमने बड़े बड़े संभाले हुए चला देती है, बात यह ना, कुछ गलत नहीं करे। अगर खास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कुछ इन्होंने 40 साल इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, अगर मैं उनको गिनवाना शुरू कर दूं तो अब मेरे ख्याल में मैं तो मुझे सुन लेना, यानी कि जिस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बाद कैदी नंबर 420 आज जेल में पड़ा हुआ है, उनके लोग आकर ये बातें करें कि कैदी नंबर क्या है, तो फिर इनके अपने अच्छा बात में बात को देखे ना, तो मीना बहन आपने गुफ्तगू की, मैं तो मैर में नहीं बोला, आप खुल के बात कीजिए, आप खुल के बात कीजिएगा ना, आप खुल के बात कीजिए, नहीं आप कीजिएगा, आप आज उनको पूरा हक है, तो क्या उसमें वो किस में गए हैं, फ्रॉड में, लूटमार में, करप्शन में, उसको 420 ही कहते हैं, किसी के साथ फ्रॉड करता है, कि शायद हो सकता है वो नंबर उनको, वैसे उनको मिलना 420 ही चाहिए था वहां पे। अच्छा अब बात ये है कि पार्लियामेंट आइन कानून तहरीक इंसाफ सब कुछ वो कर रही है जो आइन के मुताबिक, कोई चीज आइन से हटके नहीं करेंगे। प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि तहरीक इंसाफ चूंकि 40 साल या 70 साल हम तो हुकूमत में नहीं रहे, हम तो पहली दफा हुकूमत में आए हैं, और कुछ चीजें जो लोगों को महसूस हो रही हैं इसलिए हो रही हैं कि अभी आप बात कर रही हैं कि ये जी पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, ये खुद आप मुझे बताइए, एक मिनट, आज फिक्र आपने खुद कहा था पहले 6 महीने इन्होंने पार्लियामेंट को इस बात पर यरगमाल बनाए रखा पूरी अपोजिशन ने कि जी मियां शहबाज शरीफ को अगर आप लीडर ऑफ दी न्यू बनाते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, हमें असेंबली नहीं चलने देंगे। मतलब क्या, जिस शख्स के ऊपर अरबों खरबों का इल्जाम है, मेरे पे अगर कम से कम होना, मेरे में इतनी अखलाकी जरूरत है, मैं कहूंगा पहले मैं जाकर क्लियर करवा के आऊं, यानी कि बिल्कुल उस शख्स की सब सही कहते हैं, दूध की रखवाली अगर बिल्ले को बिठाएंगे, वो हमने बात की है, मुझे एक चीज आपसे जाननी है क्योंकि टाइम पे कम हो जाता है, फिर दूसरी चीज में बस जाते हैं, पीटीएम पे तरीके से आपका मौकफ क्या है? देखिए पीटीएम के ऊपर पहली बात तो मैं एक बात कर लूँ, अख्तर मेंगल साहब का अनुसार चलाया, सेनेटर साहब हमारे भाई हैं, पहली बात तो वो हमारे इत्तेहादी हैं, ठीक है, अब उनका आपके नहीं, नहीं नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं पीटीएम पे आता हूँ, मैं सवाल का पहले जवाब, देखिये वहां पर उनका अपना मंशूर है, अपनी जमात है, अपनी सोच है, हमारे वो इत्तेहादी हैं, इशू टू इशू पॉलिटिक्स होती है, जिन चीजों में वो अगर समझे हमसे वो डिफर करते हैं उनका पूरा हक है, और जमहूरियत उनको इसका हक देती है, हर हम कोशिश करेंगे कि जिन चीजों पे उनको हमारे ऊपर कोई इश्यूज हैं या कोई इतराजात हैं, अख्तर मिंगल साहब को हम इत्माद में लेंगे, और उनको वो हमें पता है उनको कुछ इश्यूज ऐसे थे, आप क्या इत्माद में लेंगे? 2 अगस्त को सुनो ना, 2 अगस्त को एक मुआहिदा हुआ आप लोगों का, 1 अगस्त को हुआ, एक दिन पहले की बात, जिसमें आप 2018 की बात है जब आपने हुकूमत बनाने की, 6 नुकात आप लोगों ने इनके साथ तय हुए, उसके एक पर भी आपने अमल नहीं किया, अब आप कह रहे हैं इशू टू इशू और उनके साथ बात करेंगे, वो अच्छा 3 इश्यूज को तो एड्रेस कर लिए, अच्छा उन्होंने कहा सुन ले बलोच कौम के खिलाफ तमाम खुफिया और खुले फौजी ऑपरेशन बंद किए जाएं, खुफिया एजेंसीज के डेथ स्क्वाड बंद किए जाएं, बलोच सियासी जमातों में खुफिया एजेंसीज की मदाखलत बंद करके उन्हें काम करने का मौका दिया जाए, बलोच कारकुनों और रहनुमाओं पर तशद्दुद उनकी गिरफ्तारियां बंद की जाएं, कस्मापुरसी की जिंदगी गुजारने वाले बलोचों की माली मदद की जाए, लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। अब आप बता दें इन 6 में से आपने कितने कर लिए, बता देंगे बातों का जवाब देने लगा, आपने इंटरप्ट कर दिया, डेफिनेटली इनके मुतालबात थे और हमने राइटिंग इनके साथ कहा था इंशाल्लाह ये हम आपकी चीजें एड्रेस करेंगे, जाहिर है उसके टाइम लगेगा, उसके ऊपर कुछ चीजें चल भी रही हैं, साथ वो लग रहा है कितना? तो मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम 2 महीने 6 महीने 4 महीने 10 महीने इसी बात को जो आपने उठाया है
जहांगीर तरीन साहब आपको पता है श्याम अमतुरी साहब सिग्नेटरीज में मौजूद थे। जहांगीर तरीन साहब ने आज से एक हफ्ता कबल दोबारा मिंगल साहब से मुलाकात की है। हम उन चीजों को मैं फिर कह रहा हूँ हमारे इत्तेहादी हैं जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करेंगे और चीजों को आगे लेके चलेंगे। अब आपने पीटीएम की बात की, देखिए मैं आज भी समझता हूँ कि कुछ शर्पसंद अनासर और कुछ दहशतगर्द ज़हन के रखने वाले लोग और कुछ वो लोग जो आकर कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि मुझे अफगानी होने पर फख्र है, अब मुझे बताइए कि अगर वो हमारे मासूम पश्तो बोलने वालों को हमारे पठान भाइयों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा तो नहीं होने देंगे। क्या करना है? आपको याद होगा जनरल आसिफ गफूर साहब ने पूरी एक आईएसपीएन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम डिटेल्स उनके मुतालिक दी और इवन हुकूमत ने भी कहा, और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा था जब, और दो तीन जलसे किए, उन्होंने कहा आपके इश्यूज जेन्युइन है। अभी क्या सोच रहे हैं? मैं एक फिक्र कह लेने दो उसके ऊपर, आपके इश्यूज जेन्युइन है लेकिन आपकी जो डिमांड स्टाइल है ना, जो गुफ्तगू वो ठीक है ना, जब आप गन पॉइंट पे धमका कर आप ये कहेंगे कि अगर ये ना हुआ तो हम अफगानिस्तान के साथ मिल जाएंगे, अगर आपकी ऐसी चीजें आ रही हों काबिल क्या चीज नहीं अब आप ये मेरी बात सुनिए, उनके ग्रीवेंसेस जो हैं वो तो हम पहले ऑलरेडी एड्रेस कर चुके और कर रहे हैं। वो क्या है जो मुतालबात थे, मैं बताता हूँ ना मुतालबात क्या थे। जितना तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उन इलाकों के इश्यूज को एड्रेस किया किसी और हुकूमत ने नहीं किया, किसी और पार्टी ने नहीं किया, उनको मेन स्ट्रीम में इसलिए किया कि उनकी जो सरगर्मियां हैं चंद लोगों की, मैं तमाम लोगों को नहीं कह रहा, चंद लोगों की, वो कुछ आपके सामने आ चुकी हैं, कुछ आ जाएंगी। आप मुझे बताइए अली वजीर एडस्ट हैं, जब आप अपनी अफवाज पाकिस्तान पे हमले करेंगे, जब आप बंदूक उठाएंगे यानी कि रियासत की रिट को आप चैलेंज करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, जब आप अपनी फौज के उन लोगों को जिन्होंने जानों की शहादतें दी हैं, जिन्होंने जो अमन लेकर आए हैं आप उनकी जगह चौकियों पे हमला क्यों कर रहे हैं? फैजाबाद धरना याद आ रहा है, फिर फैजाबाद धरना याद आ रहा है तो फिर वो फैसले भी याद आ रहे हैं, फिर पैमरा का नोटिस याद आ रहा है। मैं एक बात मुकम्मल कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि उन किसी को भी खा वो शौकत बसरा हो खा कोई और। देखिए एक बात तो है कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ रियासत के खिलाफ, मैं डॉक्टर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, डॉक्टर जाजीद साहब एक बात तो इसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए, आप मेरी तस्दीक कर दें, अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान रियासत के खिलाफ आपने नफरत अंगेज तकरीर करनी है तो फिर वो फोरम आपको नहीं दिया जाना चाहिए, आपने अपने हकूक के लिए आवाज उठानी है तो सौ बिस्मिल्लाह। सर आपका व्यू पॉइंट सर, मैं बात कर रहा था तो फोरम करने ये जो वर्दी है बोलने दे, देखो ना ये जो वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है क्या, मतलब किसको मैसेज दे रहा है? जी सर शुक्रिया जी। देखिए जी हमारे यहाँ कुछ वैल्यूज़ होते हैं हमारे सिस्टम में, खासतौर पाकिस्तान में ऐसे हो जो है ना बलूचिस्तान पंजाब खसूस जो है ना के पी पंजाब सिंध सब में हमारे यहाँ कुछ वैल्यूज़ होते हैं, हम ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर से कुछ बाहर हैं। हमारे यहाँ सियासत बेसिकली की जाए वो इज्जत व एहतराम से की जाए, कोशिश ये होनी चाहिए एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे की जो है सियासत का उसके फिक्र और ख्याल का। अब रही बात हमारे यहाँ जो वो चीज़ें हैं नहीं, अब आप जो है ना जैसे किसी पे जो है ना फिंगर पॉइंटिंग दो मिनट में कर भी सकते हैं, आप उसे जो है ना मुजरिम करार भी दे सकते हैं अल्फाज की हद तक, लेकिन वो मुजरिम होता नहीं है, उससे नफरतें बढ़ती हैं, लोग आपसे दूर होंगे। खसूसन जो है ना जिस फाटा को बड़ी मुश्किल से जो है ना के पी का हिस्सा बना दिया गया है, जिसमें उनकी जो है ना जितनी भी तकालीफ है दूर करने की कोशिश की जा चुकी है या हम कर रहे हैं स्टिल, वो जो ना आप एक बार फिर उन्हें पीछे धकेल रहे हैं कि वो कहीं पे जाके मिलें या किसी का जो है ना आप ये समझे कि शिकार हो या किसी के दस्तरस में काम करें। ये चीज़ें अगर हमने अवॉइड करनी है तो नियायती ऐसा तरीके से इन मसलों को जो है ना सॉर्ट आउट करना है। अब रही दो MNAs है इस वक्त, उन्हें लोगों ने वोट दिए हुए, अगर उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाते हैं वो नेशनल असेंबली में आके अपने ख्यालात और अपने फिक्र और अपनी जो है मुद्दा जो भी है व्हाट्स एवर वो पेश कर लेते हैं, इसमें कोई बुराई खराबी है नहीं। आपने देखा होगा दुनिया में तमाम जगह मुखालफत आखिरी हद तक लोग बर्दाश्त करते हैं और वो जो भी कहते हैं उसे बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद उसके लिए जवाब तैयार कर लेते हैं, उसकी रेमेडी ढूंढते हैं, हम रेमेडी नहीं ढूंढते फौरी तौर पर हम बंदूक की नाली पर उससे जो है निमटने की कोशिश करते हैं। जो नाकाबिले इलाज है यही चीज़ें जो है ना बलूचिस्तान में की गई जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। आप मैं बार बार हर एक जो है किसी भी प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि वो वजूहत उनको उनके बारे में मैं इंक्विजिटिव होना चाहिए, बाकायदा कमीशन होनी चाहिए कि वो बंदे जो कल सेनेटर थे MNA थे MPA थे आज आज़ादी क्यों मांग रहे हैं,
उसकी वजूहात को हमने सीक आउट करना है। अगर हम इस मुल्क से वफादारी बेसिकली वफादार हैं, लेकिन हम ये करते नहीं है, हम हेडहॉक पे से जो है एक कान से सुन के दूसरे से निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ जितने भी एजेंसी ये जो बातें आप कर रहे हैं कि ये करना चाहिए ये करना चाहिए, दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन क्या ये कर सकते हैं? ये मेरे मोहतरम हम इनके अलाई है, ठीक है ना। हमने दो MOU साइन किए इनके साथ, 6.1 जो पॉइंट्स आपने पेश किए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए थे, बाकी जो पॉइंट्स है इस बार 6 पॉइंट्स के उससे अलग गए, बड़ी सिंपल है। और 10-11 पॉइंट्स और भी हैं जिसपे सिग्नेटरी हमारे जो है ना जब चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है ना वोट देने जा रहे थे उस वक्त जो है हमने साइन किए थे, उसमें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है। अगर आज 6 पॉइंट में से किसी एक को ऑनर नहीं किया जाता, उसमें पेशरफ तक नहीं होती, आप अंदाजा लगाएं कि मैं खुद ऐड कर रहा हूं, मेरे पार्टी के सरबरा ऐड कर रहे हैं उस कमेटी को, हमने अपनी कमेटी फर्स्ट डे पे बनाई, हमारे मोहतरम भाइयों की कमेटी मेरे ख्याल में 6 मीटिंगों के बाद भी नहीं बनी, उसकी नोटिफिकेशन आज तक नहीं हुई, मैं किससे बात करूं? अरे जब मीटिंग जब भी होती है नए मीटिंग नए लोग आते हैं, कहते भाई मिनट्स बताएं, ये चीजें नहीं होती, कमांड कंट्रोल नियायत ही जईफ है मेरे भाइयों का। और दूसरी बात ये दिलचस्पी है नहीं बलूचिस्तान के जो है बुनियादी मसाइल से, जिनके साथ इनका इत्तेहाद है सूबा असेंबली के लोग, यहाँ पे जितने भी 18th अमेंडमेंट के बाद जो पैसे जाते हैं वो वहां नहीं पहुंचते, वो तो ब्लैक होल में जाती है। अब जब पैसे आपके ग्राउंड पे दिखते ना हो, आप मुझे आउट करने की कोशिश करते हैं एक प्रोग्राम के तहत, कंट्रोल डेमोक्रेसी नाफिज वहां पे करते हैं, और यही डेमोक्रेसी आप नाफिज करने की फिक्र में है अगर KP में, अगर किसी दूसरे सूबे में, तो यू विल लूज ग्रेजुअली। मैं कहता हूँ वंस यू विल फेल अगेन यू विल फेल एंड अगेन यू विल फेल, कभी नहीं होगा। आपने एक टर्म यूज किया कंट्रोल डेमोक्रेसी। रुबीना इफ यू अलाउ मी तो मैं ब्रेक लेके आपसे इस पर अंदर आ जाती हूँ, क्योंकि यही बात PMLN कर रही है, यही बात पीपल्स पार्टी कर रही है, जो अपोजिशन तो अपोजिशन कर रही है, लेकिन अगर इत्तेहादी भी ये बात कर रहे हैं तो ये अलार्मिंग है। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और सेनेट का जो आज सेशन हुआ है उसमें जो जजेस के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस के मामले पे सेनेट एक मुजम्मती करारदाद भी मंजूर कर ली है, और उसमें कहा यह गया है कि सेनेट तजवीज का इजहार करता है कि ये रेफरेंस अदलिया की आजादी पे बराह रास्त हमला है और ऐवान अदलिया के मौजूद जज के साथ इजहार यकजहती करता है, हुकूमत मौजूद जज के खिलाफ रेफरेंस वापस ले, और रेफरेंस खुफी अंदाज में दायर किया गया है जिससे मुताले जजेस को इल्म नहीं था। बहरहाल ये रेफरेंस दायर हो गया है, और 14 जून के हवाले से इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि इस पर जो है अब इसकी प्रोसीडिंग भी होगी, तो पैमरा ने हमें बता दिया है कि जी जब इसकी प्रोसीडिंग हो तो आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, लेकिन आप इससे अभी सब्जेक्टिव मैटर है, इसको आप खुल के ना खेलें। लेकिन फिर वही बात है कि जो बॉल है वो इस जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा उनके कोर्ट में है, तो लेट्स सी कि वहां पर क्या डिसाइड होता है और फिर उनकी फेट वहां पर क्या खुलकर सामने आती है। कंट्रोल डेमोक्रेसी, आप इत्तेफाक करती हैं इनसे? मैं तो किस चीज से इत्तेफाक करूं और किससे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं कंट्रोल डेमोक्रेसी पे बात करूं, मैं 420 के फिगर पे जरूर बात करना चाहूंगी, इसलिए कि मुझे बड़ा अफसोस है इनकी वेरी सीजनल पॉलिटिशियन। लेकिन ये जो आप 6.8 बातें कर रहे थे कि वो जो जिसके ऊपर MOU साइन हुआ, दरअसल उस टाइम इन्होंने अभी PTI को ज्वाइन नहीं किया था, तो इसलिए इनको बाद में पता चला। दूसरी बात, 420 ही तो इस टाइम गवर्नमेंट कर रही है जिसने इत्तेहादियों को सिर्फ कुर्सियां लेने के लिए साइन करवाए, और आज तक उन्होंने उनको दोबारा नहीं पूछा। हमने वो 420 नहीं की, हमारे साथ जो हमारे इत्तेहादी थे उनके साथ अपने लोगों को पीछे करके हम लोगों ने हमेशा उनको हक भी दिया। और दूसरी बात, अगर ये 420 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कहते हैं, उस शख्स को जिसने इस मुल्क के लिए काम किया, आपने तो डिलीवरी कुछ नहीं किया, आप तो अभी जुमा जुमा 8 दिन करप्शन के नारों के ऊपर आए और पाकिस्तान का वो बेड़ा गर्क करें कि पूरी दुनिया में आपने इस मुल्क को मजाक बना दिया है, और सुबह आपकी कुछ और होती है, शाम आपकी कुछ और होती है, और कंट्रोल डेमोक्रेसी क्या करेंगे जिनसे पार्लियामेंट नहीं चलती नादिया? हम लोगों ने क्या अपोजिशन बर्दाश्त नहीं की? इनसे तो पीपल्स पार्टी का मुट्ठी भर एहतजाज बर्दाश्त ना हो सका, और इन लोगों ने वुमेन पार्लियामेंटेरियंस को किस तरह घसीटा और उनके साथ कौन सी गंदी जबान इस्तेमाल की, इनसे बड़े 420 लोग कौन होंगे? तो लिहाजा बड़े अफसोस के साथ, और मुझे अफसोस इसलिए भी है क्योंकि जिस पार्टी से बिलोंग करते थे हमने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, और अभी PTI तो पकड़ धकड़ के लोगों की बनी हुई जमात है, लेकिन जब आप उनके साथ नहीं होते तो हम भी बहुत कुछ सुनते हैं कि आप क्या
बोलते हैं और लेकिन वो आपके बारे में क्या मैं तो मैं उन तमाम चीजों से हट के बात कर रही हूँ। दूसरी बात इन्होंने भी बिल्कुल अभी आपके प्रोग्राम में बात की कि जहांगीर तरीन साहब बात कर रहे हैं। देखिए ना, मतलब एक तरफ कहा जाता है वो तो बिल्कुल हिस्सा ही नहीं है, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे, वो तो कुछ कर ही नहीं, लेकिन फिर बॉल हमेशा उनके कोर्ट में होती है, उन्होंने जो चलाना है, जहां से हेलीकॉप्टर की उड़ान उड़ेगी होगा। और दूसरी बात ये कि लीमाबाजी के लिए चीजें लीगलाइज कर दी जाती है क्योंकि इनके लिए कंट्रोल डेमोक्रेसी और फैसले और हैं, लेकिन लोग दूसरी आवाम जो है उसके लिए कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं है, उसके लिए हर चीज ही कंट्रोल है। उसके लिए सांस लेना भी कंट्रोल है, उसके लिए जीना भी कंट्रोल है, मरना भी कंट्रोल है, एक रोटी ले अल्लाह के घर जाना भी कंट्रोल है, और मरना जो है वो तो बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, लेकिन मैं अब आपसे उसी बात पे आती हूँ कि पीटीएम की जो बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि जी आप उनको उनसे बातचीत करें, उनसे मुलाकात करें। बट एनीवेज, जब फैजाबाद का धरना हुआ था, एक धरना हुआ था उसमें हमने ट्रीटमेंट कतई मुख्तलिफ देखा था, एक धरना हुआ था उसका ट्रीटमेंट हमने कतई मुख्तलिफ देखा था। एक में आपने उनको कहा था ये अपने लोग हैं, हम इनको कुछ भी नहीं कर सकते, उनके खिलाफ उन पर लाठी भी नहीं उठा सकते, और हजार हजार रुपए भी देके उनको घर भेज दिया था, दूसरे में उठा के उनको बंद कर दिया था। इस तो पे मैं अगर आप पीटीएम पे बिल्कुल मैं पीटीएम पे बात करूं, देखिए बात यही आ जाती है। आज मुझे हैरत हो रही थी अली मोहम्मद साहब के उस बयान पे कि कहीं जो है वो पार्लियामेंट में आज बड़े खुश दिली के साथ, बड़े जोश और बलबले के साथ बात कर रहे थे, तो जब धरनों में लोगों की सुजुकियां गाड़ियों के ऊपर बैठ के वो खादिम रिजवी साहब के साथ बयान देते थे तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम कहां वो पाकिस्तान जाता था, उस टाइम मोहब्बत कहां जाती थी। और दूसरी बात, मैं एक बात बड़े वाजे अल्फाज में कहना चाहूंगी शौकत बसरा साहब को, जब उन्होंने कहा कि वर्दियां इदारों की बात, तो इस मुल्क में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने इदारों के साथ खड़ा नहीं होता। और अगर बात सिर्फ आपकी बात यह है कि अगर हमारी मोहब्बत या पाकिस्तान का जज्बा सिर्फ फौज के साथ, मेरे ख्याल में हम सब लोग पाकिस्तान के साथ हैं। हाईजैक किया गया जिस तरह से फरिश्ता केस, नन्ही बच्ची के केस को हाईजैक किया गया, उस केस में मुझे एक बता दें कि उसमें फौज का अमल दखल, उसमें रोल फौज का क्या था कि बच्ची फरिश्ता के साथ, उसका केस तो एक तरफ हो गया, उसके साथ जो ज्यादती हुई वो उसके साथ तो मजीद ज्यादती हो रही है कि आप उसको जो है वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह से नकीबुल्ला महसूद, आज नकीबुल्ला महसूद को कौन पूछता है, नकीबुल्ला महसूद सिंध का वाकया था ना, सिंध के हुक्मरानों के साथ आप हाथ मिला के बैठ गए और नकीबुल्ला महसूद के कत्ल पे आपने सियासत कर ली, वो उससे आपकी पार्टी तश्कील दे दी गई। आप ये तो इसको भी तो एड्रेस करने की इसको एड्रेस आप मुझे ये बता दें कि वो वादे जो आज तक इस हुकूमत ने किए हैं, मुझे किसी एक का जवाब आप बता दें। अभी तो साहिवाल का वाक्य मैं तो मैं इस हुकूमत के वादों पे तो इनको मैं कुछ कह ही नहीं ना, इनसे जवाब तलबी है। हम लोग तो आप उनको कैसे इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं जो खुलेआम आपके आपके इदारों के खिलाफ गालम गलोच कर रहे हैं। बात ये है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करने की बात नहीं हो रही, बात इस टाइम ये हो रही है देखिए नादिया बड़े क्लियर अल्फाज में कि वो दो लोग जो जो इस टाइम पार्लियामेंट में आए हैं, अपने लोगों का वोट लेकर आए हैं, उनको ये मौका देना चाहिए कि वो आकर बात करें। और डेफिनेटली प्रोडक्शन ऑर्डर हो ताकि उससे वाजिया साबित हो, बिल्कुल वाजिया होना चाहिए कि उनका मौका क्या है। और प्रोडक्शन ऑर्डर कहा गया कि जारी हुए हैं, उनको नहीं मिले, उन्होंने रिसीव नहीं किया, ये मामला क्या था, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे? देखिए ये तो प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला है, एक स्पीकर कौमी असेंबली का मैंडेट है, उन्होंने किया है तो उसके एग्जैक्ट मुझे सिचुएशन का अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर मैं होना चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय यह है कि नहीं होना चाहिए। देखें फिर बात हम वहीं भी, आपने बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए थे, मेरे पास एक वीडियो अगर मैं आपको भेज दूँ ना, मुझे कल ही आई है वो, अफगानिस्तान के जो कैलेंडर पब्लिक हुए हैं, पब्लिश हुए हैं अभी, जो उसके ऊपर किसका फोटोग्राफ छपा हुआ है, मंजूर पश्तीन का। देखिए मैं कहता हूँ कि हमें अपनी सियासत के लिए, अपनी जायदादों को बचाने के लिए, अपनी माल और औलाद को बचाने के लिए, कम से कम वो पाकिस्तान जिसकी वजह से आज आपने जिसको नाम दिया हुआ है उसको गंदा नहीं करना चाहिए। आज हो क्या रहा है, मैं बड़े गौर से सुन रहा था मेरी बहन की बातें, यानी कि जिन लोगों को चाहिए जनरल भट्ट जैसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मलक कयूम जैसा चीफ जस्टिस, ये है इनकी डिजायर। बाकी मैं चूंकि मामला सुबह मोटो, अब आपने बताया कि उसमें बात नहीं करनी, लेकिन मैं मामूली से बात करूँ, सब जुड़े समय एक मामूली सी बात करते, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो, कोयटा बेंच में पैसे तकसीम करने हो, मलक कयूम को डिक्टेशन देनी हो, ये पांच बुगज के मारे हुए जज हो, खलाई मखलूक इनसे फैसले करवाई हो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कम अज कम आज इनकी हालत यह है कि अपनी सियासत को बचाने के लिए कभी इनको नैब का चेयरमैन याद आ जाता है, कभी इनको आला अदलिया याद आ जाती है, और कभी हमारे जो इत्तेहादी हैं उनको ये याद आ जाते हैं। इनसे कम अज कम चूंकि इनके पास जवाब नहीं, किस चीज का जवाब नहीं है, गोले वाला, कुल्फे वाला, टीटी वाला, उसका जवाब नहीं है। और मैं आज आपको आपके प्रोग्राम में बता के जा रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड को शॉर्ट रख लीजिएगा, इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है। ये तो कहते हैं ना हमने जल्द से जुलूस करने, इनके पास रास्ता क्या है, रास्ता ये है, ये दोनों पैसे वापस करना चाहते हैं, कहते हैं रसीद मत लें,
मैं बात आपको खबर दे रहा हूँ, इसको नोट रखिए, दोनों पैसे सुन ले दोनों पैसे वापस करना चाहते हैं, कहते हैं रसीद नहीं देनी। और कौन कर रहे हैं? मलिक रियाज साहब इनके फैसिलिटेटर हैं। बात यह है इनको थोड़ा सा कम से कम इस बात को जेहन में रखना चाहिए, अब वो मुल्क नहीं है। 40 साल आपने बड़े आदमों के अंदर जायदादें बनाई, आप उनका जवाब नहीं दे रहे, आपको बड़े पेट में मरोड़ रहे। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब से करने दें। सेनेटर साहब, अब सवाल यहाँ पर यह है, वो आपने रवैयों की भी बात की, अख्तर मंगल साहब को किस चीज से डिक्टेटरशिप की बुआ रही थी उस पर भी आपने रोशनी डाली है। सर यहाँ पर जब बात रियासत के हवाले से हो रही है कि हमारे इदारों पर अगर कोई कीचड़ उठा देगा, जैसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने लगाया कि जी पता है कि वर्दी और दहशतगर्दी वाला, कि जो दहशतगर्दी उसके पीछे वाली, बट माय क्वेश्चन इज कि आपके ये जो 6 पॉइंट्स का वीडियो चला सकती हैं अगर आप में देखे ना, अगर आपने हैदर अली वजीर की वीडियो चलाए, मोहसिन दावड़ अली वजीर ने जो पश्तों में तकरीर की है, जो कुछ पाक, जब जब मैं अली वजीर को प्रोग्राम में नहीं बुला सकती तो मैं अली वजीर की जो पाक फौज के खिलाफ और हमारे इदारों के खिलाफ हम लोग ये तो ये जाहिर कर रहे हैं। पहले तो एक नादिया एक डिफ्रेंशिएट कर लें, जो हमारी हुजूर कुरान कौम है वो उनके साथ उनको मत जोड़े। आपने ये जो मुतालबात है खुफिया एजेंसीज के डेथ स्क्वाड बलोच के खिलाफ खुफिया फौजी ऑपरेशन, फिर खुफिया एजेंसीज की मुदाखलत, फिर लापता अफराद, इसमें तो सारे फिर वही रियासतें और वही हमारे इदारे, वही हमारी एजेंसीज के रोल्स आ जाते हैं। आपको लगता है ये इस पे कुछ कर पाएंगे? लास्ट कमेंट, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आपका अगला डायमंड। पहली बात तो ये है कि ये जो जितने भी मेरे ख्याल में अगर हम जो है ना न्यायती एहसन अंदाज में न्यायती जो है ना खुले मिजाज से या कूल माइंडेडली अगर हम सोच लें, ये जो है ना हमारे मुल्क के अवाम की बेसिक जो है ना डिमांड्स हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं, उनकी तकालीफ हैं जो हमने पेश की है। अगर आप जो है किसी बंदे को एक्स्ट्रा जुडिशरी कहीं पे 2-3 साल बंद कर लेते हैं तो आप अंदाजा करें कि लोगों के दिलों में क्या मोहब्बत होगी, वो बड़े खुश होंगे आपसे, उन्हें वहाँ के इलाके के लोग जितने भी हैं वो आपको फूल भेजेंगे या वो तारीफें करेंगे, चाहे मिलिट्री हो चाहे अदारे हो। मैं तो ये कहूँगा कि बेसिकली हमारे अदारे हमारे मुल्क के फौज अपना है, लेकिन अगर उनसे कोई गलती हो जाती है या गलत रास्ते पे वो चल जाते हैं या जो है ना फैजाबाद धरने जैसे जो है ना धरने अरेंज किए जाते हैं या जो है ना जब कोई जज 8 दिसंबर के बारे में जो है ना न्यायती मुफसल और बेहतरीन जो है ना फैसला दे के लोगों में जो है ना ये बेदारी पैदा करने की कोशिश करती है कि हमें जो है ना यहाँ पे अपने जितने भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है उनको ज्यादा ही मुतर्रिक होना चाहिए, गैर मुल्की जितने भी यहाँ पे घुसने की कोशिश करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं वगैरह व्हाट्सएवर, उन्हें उनका तदारुक किया जाना चाहिए। खराब बातें थोड़ी है। और अब रही बात जो है ना ये तमाम मसले कंसर्न है अदारों से, देखे ना अदारे हमारे मुल्क के हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं UNO जाके बात करूँ, मैं इंडिया से बात करवा दूँ, मैं यूरोपियन यूनियन से बात करूँ, ये मुतालबात जब भी मैं मुतालबात कितना इंतजार करेंगे आप? लेकिन इंतजार की जहां तक बात है ना, मैंने यही कहा कि हमने 1 साल अपने भाइयों को दिया हुआ है, न्याय हमारे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हमने कोशिश की टोटली जो है ना हमने वोट किया, अब भी हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जब मेरे मुतालबात जो है ना आप तस्लीम नहीं करेंगे या मेरे लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश नहीं करेंगे या वहाँ की बेसिक जो है ना हेल्थ एजुकेशन या डैम्स के बारे में जो प्रेजेंटेबिलिटीज हमने दी है उसे आप आनर नहीं करेंगे तो मुझे कितने नफरों का सवाब मिलेगा कि मैं फॉर नथिंग इनका इनको मुतातर इसी तरह सपोर्ट देता रहूँ और बजट इनके इनके लिए बजट या दीगर जितनी भी जो है इनके बिल्स हैं उन्हें फॉर नथिंग पास करता रहूँ। अपने लीडरों ने जो फौज के खुदा मतलब बातें की हुई है इनको वो भी याद कराने की जरूरत है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। हम लोगों ने इन्होंने कहा अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब जब कल की आपने देखा कि एक ब्रिगेडियर और एक जनरल को जो सजा, एक को सजा मौत हुई, एक को 25 साल, उस वक्त से इनकी घबराहट, इनके पसीने छूटे हुए हैं, क्यों छूटे? मैं लिंक करना चाहता था, क्यों लग रहे इनके? आप देखे ना जुडिशियल वाला मामला हुआ है भाई, एक एक प्रॉपर चैनल है, 5 जजेस होंगे जुडिशियल काउंसिल के, 2 हाईकोर्ट के जजेस, मेरा पॉइंट यही है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बात करने करेगी ना आपके, अब इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको पता है कि ईद के बाद फाइनल राउंड शुरू है, हमें किसी माल निकालना पड़ना है, माल के बगैर माफी नहीं होनी है, जो मर्जी ये ड्रामेबाजी करें, 4,420 जो कैदी नंबर है वहाँ पर जेल के अंदर, आप अपना देखिए वक्त आप लोगों का भी चल रहा है, जरूर आएगा। क्या कहते हैं इतनी सी बात? बस ये चूरन काफी पुराना हो गया। आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और आपकी एक स्टैंडिंग है, बड़ी इज्जत है आपकी,
मैं कहता हूँ बेस्ट वे ये होगा अगर इस बारे में जो है कुछ आप मोहतात अंदाजे में किसी पे इल्जाम लगाए तो उसकी इज्जत होगी। सर अदलिया ने कहा है, मैंने कह रहा अदलिया ने फैसला निकाल ले, अभी जस्टिस आसिफ खोसा साहब का फैसला निकाल ले, जरा बसरा साहब सुनने की भी जो ना गॉड फादर सिसिलियन माफिया बर्दाश्त अपने सदमों का इजहार कर रहे हैं। बात करता हूँ मैं, ऐसे कोई मैं सेनेट में भी यही कहा करता हूँ, आपकी तो हर फकर ये कहता हूँ की न्यायत ही एहतराम से और इख्लाक से हमारे दूसरे का नाम लिया जाना चाहिए। लेकिन आज इससे पहले भी जो है आउट थे बेनजीर भी जो जेल में, उसके शोहर भी जेल में रहे, और कल जो है ना ये किसी न किसी शेप में आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, उनके बेटे भी हो सकते हैं, उनकी बेटी भी हो सकती है। अल्लाह ना करे जिस अंदाज में मियां नवाज शरीफ अंदर है हम ना हो, वो लूट मार के अंदर है। ये कैसा उनको करप्शन का गोल्ड मेडल मिला हुआ है सब अंदर, और आपको भी सब, आपका भी शुक्रिया बस सब, आपका भी शुक्रिया। मसला यहाँ पर सिर्फ यही है कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसपे बात नहीं करनी, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं उस पर बात करनी है। हमें याद है कि जब अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर आपके कोई इश्यू सॉल्व नहीं होंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, जहां पे आप सीन फंसाने जा रहे हैं वो उसके आगे डेड एंड है। प्रोग्राम से नादिम मिर्ज़ा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।